हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी शिक्षा। सी प्लस प्लस ट्यूटोरियल की सीरीज़ में आज हम देखेंगे कि सी प्लस प्लस में फंक्शंस क्या होते हैं और उसे हम अपने प्रोग्राम में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो थोड़ा फंक्शंस को डिटेल में समझने से पहले आपको मैं बेसिक बताता हूँ कि फंक्शन हमें क्यों यूज़ करने चाहिए। जैसे समझ लीजिए, आप अपने प्रोग्राम में आपको बार बार सेम ही कोड करना पड़ रहा है, सेम ही काम बार बार आपको करना पड़ रहा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपको दो नंबर में से बड़ा नंबर फाइंड करना पड़ रहा है बार बार आपके अपने प्रोग्राम में। तो इस तरह कोड करने का तरीका सही नहीं होता, क्योंकि इससे आपका कोड बहुत लंबा भी होगा और आपका टाइम भी बहुत कंज्यूम होगा इसमें। तो इस चीज़ को ठीक करने के लिए हम फंक्शंस का यूज़ करते हैं। तो फंक्शंस का यूज़ कैसे करते हैं? जैसे आपको जो काम करना है वो आप एक बार फंक्शंस में लिख दीजिए, उसके बाद जब भी आपको काम करना हो तो आप सिंपल फंक्शन का इस्तेमाल कर लीजिए। तो वहाँ पर आपका वो काम भी हो जाएगा और आपका कोड दिखने में भी साफ़ होगा और आपका टाइम भी बचेगा। तो चलिए फंक्शन को आगे डिटेल में समझते हैं। तो फंक्शन का जो सिंटेक्स होता है कुछ इस टाइप का होता है। सबसे पहले उसका रिटर्न टाइप, जिस टाइप की वैल्यू फंक्शन रिटर्न करेगा। उसके बाद फंक्शन का नाम, जो हमारा फंक्शन का नाम होगा। फंक्शन का नाम अपनी तरफ से आप कुछ भी दे सकते हैं। उसके बाद पैरामीटर लिस्ट, मतलब जिन वेरिएबल्स पे काम करेगा उसकी हम यहाँ पे पैरामीटर लिस्ट में हम देते हैं। जैसे अगर आपका फंक्शन जैसे ग्रेटर में दो पैरामीटर लेगा, वो दोनों इंट इंट टाइप के होंगे, तो आप कैसे देंगे? यहाँ पे पैरामीटर लिस्ट में इंट, उसके बाद जो कोई भी आप अपनी तरफ से वेरिएबल का नाम, उसके बाद कॉमा देके दूसरा, अगर एक से ज़्यादा है तो कॉमा देके इंट और दूसरा वेरिएबल का नाम। आप इसमें कितने भी पैरामीटर रख सकते हैं, कितने भी टाइप के। जैसे इंट, अगर आपका प्रोग्राम में किसी फंक्शन में एक इंट टाइप का और एक कैर टाइप का जा रहा है, तो इंट उसके बाद उस वेरिएबल का नाम, कॉमा दे के फिर कैर उस वेरिएबल का नाम। तो इस तरह आप पैरामीटर लिस्ट अपनी बना सकते हैं। इसमें आप कितने भी पैरामीटर्स रख सकते हैं। उसके बाद आता है बॉडी ऑफ फंक्शन। बॉडी ऑफ फंक्शन में हम क्या देते हैं? जो हमारा फंक्शन काम कर रहा है। जैसे यहाँ पे दो नंबर में से लार्जेस्ट नंबर फाइंड करने के में इफ एल्स कुछ स्टेटमेंट्स होगी, तो यहाँ पे हम वो चीज़ बॉडी में देंगे फंक्शन की। अब चलो फंक्शन चलिए फंक्शन को थोड़ा और ब्रेक करके समझते हैं। तो फंक्शन में तीन चीज़ें होती हैं। एक तो फंक्शन डिक्लेरेशन, इसको हम फंक्शन प्रोटोटाइप भी कहते हैं, और दूसरा होता है फंक्शन डेफिनेशन, और तीसरा होता है फंक्शन कॉल। तो चलिए एक एक करके तीनों को समझते हैं। तो फंक्शन डिक्लेरेशन क्या होता है? अगर आप सिंपल हेडर देते हैं अपने फंक्शन का, जैसे यहाँ पे मैंने एक फंक्शन का हेडर दे रखा है, सिर्फ वॉइड, ये रिटर्न टाइप है इसका। वॉइड मतलब ये कुछ फंक्शन रिटर्न नहीं करेगा। उसके बाद फंक्शन का नाम मैंने से हेलो दे रखा है। उसके बाद इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर मैंने पैरामीटर लिस्ट कुछ नहीं दिया है, मतलब कि मेरा जो फंक्शन है ये कोई पैरामीटर नहीं लेगा। उसके बाद यहाँ पे सेमी कॉलन है। तो इस तरह से अगर आप सिर्फ फंक्शन का हेडर हेडर देते हैं तो उसका हम फंक्शन डिक्लेरेशन कहते हैं। उसके बाद फंक्शन डेफिनेशन। तो फंक्शन डेफिनेशन में क्या होता है? फंक्शन का तो हेडर तो होता ही होता है, साथ में उसकी बॉडी भी होती है जो वो काम करेगा। जैसे यहाँ पे वॉइड रिटर्न टाइप और फंक्शन का नाम और पैरामीटर कुछ ये ले नहीं रहा है, और उसके बाद इसकी डेफिनेशन में सिंपल मैसेज ये प्रिंट कर रहा है हेलो। तो ये था फंक्शन डेफिनेशन और फंक्शन डिक्लेरेशन। आप अपने प्रोग्राम में दो तरीके से अपने फंक्शन बना सकते हैं। एक तो आप डिक्लेरेशन दे दीजिए फंक्शन का, उसके बाद फंक्शन की डेफिनेशन दे दीजिए, या तो आप सिर्फ फंक्शन की डेफिनेशन दे दीजिए। दोनों तरीके ही सही हैं, दोनों तरीके से आप अपना फंक्शन बना सकते हैं। तो अब आपके दिमाग आपके पास ये ख्याल आ रहा होगा कि अगर दोनों ही तरीके सही हैं तो ये फंक्शन डिक्लेरेशन हम क्यों दें? एक लाइन कोड बढ़ेगी इससे, क्यों दें? इसका क्या फ़ायदा है? तो इसका फ़ायदा आपको आगे समझ में आएगा जब आगे के टॉपिक्स करेंगे। अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि जब हम ये फंक्शन डिक्लेरेशन दे फंक्शन बना रहे होते हैं, तो फंक्शन डिक्लेरेशन सिर्फ तब देते हैं हम जब हमें पता नहीं होता एग्जैक्टली कि हमारा फंक्शन क्या कर रहा है। तो उस टाइम पे हम सिर्फ फंक्शन डिक्लेरेशन दे देते हैं ताकि आगे हम उस फंक्शन को यूज़ कर सकें या फिर आगे डिफाइन कर सकें। तो ये फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन डेफिनेशन, और हमारी तीसरी चीज़ थी फंक्शन कॉल। तो फंक्शन कॉल क्या होता है? सिंपल, अगर हमने फंक्शन किस लिए बना रहे थे कि फंक्शन को हम अपने प्रोग्राम में बार बार यूज़ कर सकें। तो फंक्शन को अपने प्रोग्राम में बार बार यूज़ करने के लिए हम फंक्शन कॉल का करते हैं। फंक्शन को कॉल करने का सिंटेक्स सिंपल होता है, बस फंक्शन का नाम, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर अगर कोई वो पैरामीटर ले रहा है तो वो पैरामीटर पास कर देंगे। जैसे यहाँ पे हमारा फंक्शन है वो कोई पैरामीटर नहीं ले रहा, तो यहाँ पे सिंपल एम्प्टी ब्रैकेट है, उसके बाद सेमी कॉल है। तो इस तरह से हम अपने फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। तो ये फंक्शन के तीन बेसिक पार्ट्स थे, फंक्शन डिक्लेरेशन या प्रोटोटाइप, फंक्शन डेफिनेशन और फंक्शन कॉल। अब ये एक चीज़ होती है फंक्शन सिग्नेचर। अब फंक्शन सिग्नेचर क्या होता है? फंक्शन सिग्नेचर एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन से डिफर करने के लिए होता है। अब जैसे फंक्शन सिग्नेचर किस बेसिस पे डिफर करता है? तो फंक्शन सिग्नेचर में क्या क्या होता है? फंक्शन सिग्नेचर में एक तो फंक्शन का नेम होता है, और फंक्शन के जो पैरामीटर लिस्ट है उसमें जो नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स है वो होते हैं फंक्शन सिग्नेचर में, और जो उनका ऑर्डर है वो भी फंक्शन सिग्नेचर में होता है, और फंक्शन और जो उनका डेटा टाइप है वो भी फंक्शन सिग्नेचर में होता है। तो मतलब अगर दो फंक्शन है हमारे
और उनका अगर सिग्नेचर हमें चेक करना है सेम है कि नहीं, तो हम ये सारी चीज़ें चेक करेंगे कि उसका नाम, उसका नंबर कितने और पैरामीटर्स है और ऑर्डर क्या है उनका, ये सब चीज़ें चेक करेंगे। अगर ये सारी चीज़ें सेम होती हैं तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन दोनों के सिग्नेचर सेम है। जैसे यहाँ पे ये देखिए, आप दो मैंने एग्जाम्पल दे रखा है, एक सम नाम से फंक्शन है, उसके अंदर दो पैरामीटर्स हैं इंट ए और इंट बी, और दूसरा मेरा सम है, नाम सेम नाम से फंक्शन है सम, और उसमें तीन है। तो अब यहाँ पे इसमें ऑड जो नंबर ऑफ पैरामीटर्स है वो अलग हो गए हैं, तो इसलिए इन दोनों का सिग्नेचर हम अलग कहेंगे, यानी ये दो अलग अलग फंक्शन है। और एक और चीज़ होती है, जो फंक्शन में हमारा जो रिटर्न टाइप होता है वो सिग्नेचर का पार्ट नहीं होता है। जैसे कि ये दोनों जो फंक्शन है, दोनों ही देखिए आप, इसका बस रिटर्न टाइप अलग है, बाकी नाम, ऑर्डर और नंबर ऑफ पैरामीटर और टाइप सब सेम है, बस यहाँ पे जो अलग है वो है इनका रिटर्न टाइप। तो ये दोनों को हम अलग सिग्नेचर नहीं कहेंगे, सेम सिग्नेचर वाले फंक्शन है, यानी कि ये सेम फंक्शन है, सेम ही कहेंगे इन्हें। तो ये थे फंक्शन के बेसिक। तो अब इसको समझने के लिए और अच्छे से एक एग्जांपल लेके देखते हैं। तो एग्जांपल में हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे जो BMI कैलकुलेट करेगा। BMI हेल्थ इंडस्ट्री में यूज़ होता है पता करने के लिए कि एक पर्सन कितना हेल्दी है। तो ये इसका फॉर्मूला कुछ इस तरह होता है, वेट डिवाइडेड बाय हाइट इंटू हाइट। तो मतलब अगर किसी आपको किसी इंसान का अगर आपको BMI पता करना है, तो आप उसका वेट लीजिए और उसको उसके हाइट्स के स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, तो उसका BMI रिटर्न कर देगा। तो चलिए अब इसको कोड करके देखते हैं। तो अब मैं यहाँ पे फंक्शंस के थ्रू BMI कैलकुलेट करूँगा, तो मुझे एक BMI फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो BMI फंक्शन बनाऊँगा अब मैं। अब फंक्शन में सबसे पहली चीज़ क्या होती है, रिटर्न टाइप। तो हमारा जो BMI फंक्शन होगा वो एक वैल्यू रिटर्न करेगा, वो जो कि है BMI पर्सन का। तो अब जो BMI होता है वो पॉइंट में भी हो सकता है, तो इसलिए यहाँ पे मुझे को रिटर्न टाइप लेना होगा, वो मुझे फ्लोट टाइप कर लूँगा, क्योंकि जो हमारा आंसर है वो पॉइंट में भी हो सकता है। उसके बाद दूसरी चीज़ क्या होती है, फंक्शन का नाम। तो यहाँ मैं फंक्शन का नाम BMI रख लेता हूँ। उसके बाद पैरामीटर लिस्ट। तो अब यहाँ पे मुझे दो चीज़ें चाहिए होंगी, एक तो पर्सन का वेट और पर्सन की हाइट। तो यहाँ पे मैं हाइट और वेट ले लेता हूँ, और मैं दोनों को फ्लोट टाइप का कर देता हूँ, क्योंकि वेट और हाइट पॉइंट में भी हो सकती है। तो फ्लोट वेट ले लेता हूँ, सिंपल W, और फ्लोट हाइट को मैं सिंपल H ले लेता हूँ। तो यहाँ पे अब फंक्शन का हेडर में मैंने क्या रिटर्न टाइप है और क्या पैरामीटर लिस्ट है और नाम मेंशन कर दिया। अब यहाँ पे मैं जो मेरा बॉडी जो फंक्शन काम करेगा वो कोड करूँगा। तो यहाँ पे मेरा फंक्शन BMI कैलकुलेट करेगा, तो इसके लिए मैं एक BMI नाम से वेरिएबल बना लेता हूँ। अब BMI मेरा क्या फॉर्मूला था, वेट डिवाइडेड बाय हाइट इंटू हाइट। तो वेट डिवाइडेड बाय हाइट इंटू हाइट, तो ये BMI में मेरा BMI स्टोर हो जाएगा, BMI वेरिएबल में, जो कि फ्लोट टाइप का है। अब यहाँ से मुझे ये वैल्यू वापस भेजनी है, यानी से यहाँ से मुझे वैल्यू BMI की रिटर्न करनी है। तो रिटर्न करने के लिए फंक्शन में हम रिटर्न कीवर्ड का यूज़ करते हैं। तो रिटर्न कीवर्ड ये मैंने लिख दिया। उसके बाद जो भी चीज़ मुझे यहाँ से रिटर्न करनी है, यहाँ पे मैंने BMI रिटर्न करना है, तो मैंने BMI रिटर्न के बाद लिख दिया। तो यहाँ से फंक्शन क्या करेगा, दो वैल्यूज़ लेगा, वेट और हाइट, और उससे BMI कैलकुलेट करके वापस रिटर्न कर देगा। तो चलिए अभी हमारा फंक्शन बन गया है, अब इसका यूज़ करके देखते हैं। तो सबसे पहले मैं यूज़र से उसका वेट और हाइट लूँगा, तो एंटर योर वेट, वेट केजी में एंड हाइट मीटर में। तो यहाँ पे वेट और हाइट ले रहे हैं हम, तो सीन का यूज़ करके मैं यूज़र से वेट और हाइट लूँगा। मेरे को यहाँ पे वेट और हाइट वेरिएबल बनाना पड़ेगा, तो दो वेट और हाइट दोनों मेरे फ्लोट टाइप के होंगे, क्योंकि वो पॉइंट में भी हो सकते हैं। तो वेट और हाइट, उसके बाद अब यहाँ पे मैं BMI कैलकुलेट करूँगा। तो इसके लिए मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, फ्लोट BMI। अब इसके अंदर मैं अपने फंक्शन का यूज़ करके BMI कैलकुलेट करूँगा, तो BMI इज़ इक्वल टू फंक्शन का नाम, जैसे फंक्शन कॉल में हमने देखा था फंक्शन का नाम सिंपल, तो फंक्शन का नाम हमारा BMI है। उसके बाद उसके अंदर जो हमें पैरामीटर्स पास करने हैं, तो यहाँ पे हमें वेट और हाइट पास कर दिया मैंने यूज़र का, जो हमने यूज़र से लिया है। इसके बाद में BMI कैलकुलेट हो गया, अब सिंपल हम कंसोल पे मैसेज प्रिंट करवा देते हैं जो BMI है, BMI, और यहाँ पे BMI। अब यहाँ पे ये BMI कैलकुलेट हो जाएगा। अब यहाँ पे ये एरर आया, एक
यहाँ पे मुझे दूसरा नाम लेना पड़ेगा, इसे रन करके देखते हैं आप। तो यहाँ पे अब ये यूज़र का वेट और हाइट पूछ रहा है, तो मैं यहाँ पे वेट सपोज डाल देता हूँ 80 और उसकी हाइट डाल देता हूँ मीटर में मैं 1.7। तो यहाँ पे ये BMI कैलकुलेट हो गया 27.6817। तो हमारा फंक्शन BMI कैलकुलेट कर रहा है और ठीक से काम कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए फंक्शन का फ़ायदा क्या है। आप समझ लीजिए आपको अपने प्रोग्राम में एक से ज़्यादा बार कैलकुलेट करना पड़ता, तो आप सेम ये कोड बार बार लिख रहे होते, लेकिन फंक्शन का यूज़ करने की वजह से अब हमें सिंपल एक स्टेटमेंट में हम BMI पता कर सकते हैं। तो इस तरह से हम अपने कोड को अच्छा क्लीनर मतलब साफ रख सकते हैं और कम टाइम में अपना काम कर सकते हैं। तो अब मैं आपको एक असाइनमेंट देता हूँ, उसमें क्या करना है आपको, सिंपल ये BMI वाला प्रोग्राम दोबारा बनाइएगा अपनी तरफ से, और उसके बाद मैं यहाँ पे जैसे मैथ कंसोल पे सिर्फ BMI वैल्यू प्रिंट करा रहा हूँ। आप BMI वैल्यू मत प्रिंट कराइएगा, आप BMI वैल्यू के बेसिस पे वो किस कैटेगरी में आता है वो प्रिंट कराइएगा। जैसे यहाँ पे मैंने दे रखा है कि अगर जो BMI की वैल्यू है वो 15 से कम या 15 से कम है तो वो इस कैटेगरी में आएगा, 15 से 16 के बीच में तो इस कैटेगरी में आएगा। तो आपको इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए इफ एल्स लैडर का यूज़ करना होगा। तो अगर आपको इफ एल्स क्लियर नहीं है तो आप पीछे की वीडियो में जाके इफ एल्स देख सकते हैं। तो यहाँ से आप इस चीज़ को कोड करने की कोशिश करिएगा। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने आज आपको जो फंक्शन समझाया आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।